राधे राधे फ्रेंड्स, सुरेश मिश्रा व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ आ जाए हैं एक और नई अचार की रेसिपी के साथ, जो कि है कच्चे आम का अचार। आगे बढ़ने से पहले आप पढ़िए आपका सुविचार। अचार के लिए हमने यहाँ पर लिया है कुछ मसाले, बेसिक मसाले जैसे काला नमक, सफ़ेद नमक, हल्दी और लिए साथ ही साथ हमने अमिया। अमिया जो है उसको हमने अच्छे से धोकर कोटकर फिर उसके छिलके निकाल दिए हैं। छिलके निकालने के बाद हम उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर देंगे। अब हम ये जो अमिया है इसको एक बाउल में रख लेंगे अच्छे से। छोटे छोटे पीसेस में हम अमिया को यहाँ पर सारी काट लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको मसाले डाल के 2 दिन के लिए धूप में रख लेंगे। बेसिक मसाले जैसे हल्दी, काला नमक और सफ़ेद नमक, ये डाल के हम रख देंगे। और जब इसमें से पानी थोड़ा ड्रेन हो जाएगा, रेस्ट जाएगा, वो पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उस पानी को हम बाहर यूटिलाइज करेंगे किसी अचार के लिए। सफ़ेद नमक जो भी स्वाद अनुसार आप जितना भी डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। काला नमक, सफ़ेद नमक, हमने मिर्ची की जगह डाली है कश्मीरी मिर्च, हमने लाल मिर्ची नहीं यूज़ करी है यहाँ पर, जो तीखी वाली होती है। जो कश्मीरी मिर्च है वो थोड़े से कलर के लिए और फ्लेवर के लिए डाली है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। ये देखिए बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है ये 2 दिन बाद। और साथ ही साथ हमारे पास जो हींग लाए हैं वो हींग डाल देंगे फ्लेवर के लिए। डालने का बेनिफिट रहेगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, डाइजेशन के लिए अच्छा होगा, साथ ही साथ इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें आपका जो एक्सपीरियंस रहा है। अगर